आप सब से ये पहले भी कह चुकी हूँ और आगे भी यही कहूँगी कि हमें किसी पार्टी से, किसी नाम से कुछ नहीं रखना है। हमने देखना है कि हमारा जो काम है वो आगे तक कौन पहुँचा सकता है, कौन हमारी सहायता कर सकता है, कौन हमारा मददगार है। हम वो रास्ता चुनेंगे जिस रास्ते पर हमें आगे चलने वाला जो है वो नुमाइंदा अच्छा हो, तो उसका साथ ही हमारा विकास है। जो हम गरीबों को, जो हम दलितों को ऊपर उठाने की कोशिश करे वही हमारा नेता है। और जो आज तक जिससे यानी कि कोई भी अनजान नहीं है कि आजाद साहब ने हमारे यहाँ कितने काम किए हैं, हमारी स्टेट में कितने काम किए हैं। ना उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर को अलग नजरिए से नहीं देखने वाला वो नेता जो हमें और जम्मू और कश्मीर को एक नजर से देख के पूरा उनको उनका हक देता है। और हमें 2.5 साल में उनका जो वो मिला है, उनका तोहफा, वो हम पूरा जीवन नहीं भूल सकते। अगर उन्होंने 2.5 साल में इतना काम किया है तो खुद ही आप सोच सकते हैं कि अगर हुकूमत उनके हाथ में आ गई, अगर 6 साल उनके हाथ में आ गए, तो हमारा ये जम्मू कश्मीर जो है आसमान की ऊंचाइयों पर छू सकता है। तो इसके साथ ही हमारी सबसे ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है और देखना है कि हमारा रास्ता क्या है, और हम एक रास्ते पर एकजुट होकर आगे बढ़े और आजाद साहब को, जनाब सुरुड़ी साहब को कामयाब करके हम अपने आप को कामयाब करें।